तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। नौकरी मिलने का पूरा चांस था, लेकिन हमारा बैड लक और पुण्य कम होने की वजह से हम इंटरव्यू में फेल हो गए और मुंह में से शब्द निकल पड़ा ओ माई गॉड। हम रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक हमारे पास से एक तेज गाड़ी निकली। हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया और हम बच गए। तभी मुंह में से शब्द निकल पड़ा ओ माई गॉड। जब हम बुरी परिस्थिति वाले लोगों को देखते हैं, तब दया आने पर मुंह में से शब्द निकल पड़ता है ओ माई गॉड। तो आइए मित्रों, देखते हैं कि ऐसी विभिन्न परिस्थिति में जब हमारे मुंह से ओ माई गॉड शब्द निकलता है, तब गॉड हमारी मदद कैसे करते हैं। गॉड शब्द में तीन अक्षर है, जी ओ डी। पॉइंट नंबर वन, जी यानी जनरेटर। प्रभु हम में पुण्य और समाधि उत्पन्न करते हैं। एक बार हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। नौकरी मिलने का पूरा चांस था, लेकिन हमारा बैड लक होने के कारण और पुण्य कम पड़ने की वजह से हम इंटरव्यू में फेल हो गए। तब प्रभु को याद किया और प्रभु को याद करते ही प्रभु पुण्य बढ़ा देते हैं, जिससे दुख न आए। और अगर तीव्र पापोदय के कारण दुख आता भी है, तो उस दुख को सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। याद रखिए, हंसते हुए जो कर्म किए हैं, उसे भुगतना ही पड़ता है। ऐसे पाप कर्मों से दुख भी आता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु की याद दुख भले ही दूर नहीं कर सकती, लेकिन नेगेटिव परिस्थिति में हमें आर्थ ध्यान से बचाती है और नए अशुभ कर्म बंध से भी बचाती है। दुख प्रतिकार के लिए सहन शक्ति बढ़ाती है। सहन शक्ति बढ़ने से समाधि भाव आता है। समाधि दुख प्रतिकार के लिए अमोघ शस्त्र है। पॉइंट नंबर टू, ओ यानी ऑपरेटर। प्रभु शरण स्वीकार करने वाले को संभालते हैं। हम रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमारे पास से ही एक तेज गाड़ी निकली, लेकिन हम बच गए क्योंकि प्रभु हमें ऑपरेट कर रहे थे। अगर हमारे जीवन की व्यवस्था प्रभु को सौंप दी जाए, तो प्रभु वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं, पर अफसोस हम उन्हें जीवन समर्पण नहीं करते। अगर हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी मुश्किल आ जाए, तो उसकी वकालत खुद किए बिना प्रभु के शरण में पहुंच जाना चाहिए। हमारी कल्पना से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर थ्री, डी यानी डिस्ट्रॉयर। प्रभु हमारे कठोर भावों का नाश करते हैं। भक्त प्रभु का वारसदार होता है। प्रभु की करुणा वारसदार होने के कारण भक्त को भी मिलती है। इसलिए दूसरों को दुखी देखकर करुणा प्रकट होती है और ओ माई गॉड बोलकर प्रभु को याद करते हैं। इसी तरह प्रभु स्मरण हृदय में कठोर भावों का नाश करता है। भयंकर एक्सीडेंट में पीड़ित हुए परिवार को देखकर, छोटे बच्चे को अपंग या भिक्षुक अवस्था में देखकर हृदय में करुणा भाव ओ माई गॉड शब्द से प्रकट होता है। तो चलो मित्रों, करुणा भाव से प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे दुख किसी को भी मत देना। एकज छे संखना